नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा रामविलास ने कमर कस ली है। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि इन दोनों ही चुनावों में उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। चिराग के इस बयान के बाद महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा रामविलास ने कमर कस ली है। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि इन दोनों ही चुनावों में उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग के इस बयान के बाद महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। लोजपा रामविलास के राज्य कार्यकारिणी की हाल ही में बैठक आयोजित की गई है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि पार्टी राज्य के सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। इसके अलावा दोनों चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी बात हुई है। पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान गठबंधन को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जिस भी गठबंधन के पास जनाधार होगा, आगामी चुनाव में वो उसके साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि वो एनडीए में शामिल होंगे। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आगामी चुनाव में अकेले रहकर ताल ठोकेंगे। वो सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, भले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन वो गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को इसका लाभ दे सकते हैं। लोजपा में टूट होने पर अपने चाचा पशुपति पारस से हुए विवाद के बाद चिराग ने एनडीए छोड़ दिया था। चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां जग जाहिर है। उनके चाचा पशुपति पारस का गुट एनडीए में ही है, इसलिए वो अभी तक गठबंधन में नहीं आए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लोजपा के दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों पर आधारित है और दलित वोटर्स किसी भी गठबंधन की जीत हार के लिए बहुत मायने रखते हैं। चिराग पासवान ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करके महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर ली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।